नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुणी। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया साइंस का वर्किंग मॉडल जो मैंने कॉलेज स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत ही स्पेशल एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है, इसे देखें आप लोग। यह एक ऐसा वर्किंग मॉडल है जो मानव शरीर के स्पर्श मात्र से ही वर्क करता है। सर्वप्रथम आप लोग इसका सिस्टम देखें, इसकी बनावट देखें, इसमें प्रयोग आने वाले कंपोनेंट्स पार्ट्स के बारे में समझें। बहुत ही बढ़िया ये वर्किंग मॉडल है, यानी कि यह एक तरह का मानव शरीर के द्वारा स्पर्श मात्र ऑन ऑफ स्विच है। सुनने और सोचने में आप लोगों को अचंभा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे संभव है, लेकिन जब आप इसका वर्किंग देखेंगे, इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो पहले आप इसका वर्किंग देखें, इसके बाद हम आपको ये कैसे बना, इसमें क्या क्या लगा, कौन कौन सी सामग्री इसमें है और कौन कौन पार्ट की क्या वर्किंग है। तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, ये जो 9 वोल्ट की आप बैटरी देख रहे हैं, अभी इसका एक पॉइंट ओपन है, देखें गौर से। तो जैसे हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये देखिए आप, अब वो जो ऊपर टॉप है बैटरी का जो कैचर है, इसको हमने बैटरी के ऊपर प्रॉपर फिट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही अभी, है ना, पीछे भी कोई इसमें कोई बटन नहीं लगा है कि पीछे कोई ऐसा स्विच लगाओ, कुछ भी नहीं लगा है। ये देखें आप लोग, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन कार्डबोर्ड है, जो कुछ है सब इसी के ऊपर है। अब ये कैसे चालू होता है, ये आप उंगली देखें, एक उंगली से हमने इसको ऐसे पुश किया और दूसरी उंगली से हमने इसको ऐसे पुश किया, ये देखें आप लोग। और जैसे उंगली हटाएंगे तो ये चलना बंद हो जाएगा। फिर अच्छी तरह से देखें आप लोग, ये उंगली है, इसके हमने ऐसे टच किया, ये चालू हो गया, देखें आप लोग। अब ये उंगली हम इस पर प्रॉपर रखे हैं, अब ये उंगली हम हटाते हैं घर वाली, ये देखें आप लोग, ठीक है। और जैसे ही इस पर हम सेंसर पर उंगली रखेंगे, ये चालू हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, पीछे भी कोई इसमें कहीं भी कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल जादू की तरह ये वर्क कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल फुल थ्योरी इसकी बताएंगे और इसका डायग्राम भी आप लोगों को बताएंगे कि कोई इसे आसानी से अपने घर पे, स्टूडेंट हमारे अपने घर पे से बना सकते हैं। तो फिर देखिए प्रेजेंटेशन, ये उंगली है, हमने इसको सेंसर पर रखा, ये वाली उंगली इस सेंसर पर रखेंगे, ये चालू हो जाएगा। अब एक और इसका दूसरा तरीका है, यदि कि 10 स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की संख्या 10 हो, 20 हो, जितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बनी रहने दो, कोई भी एक स्टूडेंट इस पर उंगली रखेगा, दूसरा वाला इस पर रखेगा एक हाथ की, दूसरे हाथ से तीसरे वाले से हाथ मिलाएगा, ऐसे चौथे वाले से हाथ मिलाएगा, ये क्यू टाइप की बन जाएगी। और लास्ट वाला स्टूडेंट जैसे इस पर रखेंगे तो ये मूव करेगा, ठीक है। पहला इसका उपयोग, दूसरा आपने इस पर उंगली रख दी, एक पैर आप अपने सिरे पर से बाहर करेंगे, ओपन करेंगे, जमीन पर रख देंगे, दूसरा वाला इस पर उंगली रखेगा कोई स्टूडेंट, वही भी फर्श पर, फ्लोर पर दूसरे पैर को रखेगा, जैसे
फर्श के फ्लोर पर रखेगा यह चालू हो जाएगा। इसमें एक चीज और प्रेजेंटेशन में सामने आती है, यदि आपको बिलीव हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो आप प्रैक्टिकल करके कभी भी इसे बनाए तो देख लेना। यदि किसी भी इंसान का ब्लड थोड़ा गाढ़ा है, उसका संचार ब्लड का कम है, तो इसकी जो स्पीड है फैन की, ये डिपेंड करेगी उसकी रेजिस्टेंस बॉडी पर। तो मेरा कहने का मतलब कम से कम 50% ये ऑर्डिनरी डायबिटीज सेंसर टेस्टर के रूप में भी वर्क करेगा। अब आप पूछो ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता दूं, इस प्रोजेक्ट में एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक 4 वोल्ट की इसमें मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, ये दो सेंसर इसमें लगे हुए हैं। सेंसर के साथ में कॉपर वायर की एक रेजिस्टेंस के टाइप में स्प्रिंग बनी हुई है, जो ग्राही यानी सिग्नल ग्राही कॉइल कहते, ठीक है, दोनों एक और दो यानी दो कॉइल इसमें लगी हुई है। एक ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ, पावर ट्रांजिस्टर जो बड़ा सा दिख रहा, ठीक है, और इसमें दो रेजिस्टेंस लगी हुई, एक डायोड लगा हुआ, एक कैपेसिटर लगा हुआ, और उसमें तीन ट्रांजिस्टर 47 यानी 147 के लगे हुए, और जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर आपका लगा हुआ है सबसे बड़ा दिख रहा है, ये D6692 पावर ट्रांजिस्टर से, एक इसमें डायोड और लगाया 4007 10 के की रेजिस्टेंस, 1 के की रेजिस्टेंस, 220 के की रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना इसमें सामग्री लगी हुई है। अब होता क्या है, बैटरी की पावर सप्लाई जैसे हम इसमें कनेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट में, तो बैटरी की पावर सप्लाई का जो प्लस है वह प्लस आपका डायरेक्ट सीधा एक मोटर से जुड़ा हुआ है। एक मोटर से जुड़ने के बाद उसी मोटर से वो वायर आया, और एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाने के बाद में यह ट्रांजिस्टर 47 के बेस पर चला गया। ट्रांजिस्टर 47 का बेस कलेक्टर यानी कि पहले ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर टू एमीटर के साथ में कनेक्ट किया गया है 220 के की रेजिस्टेंस के साथ में। सेकेंड नंबर का ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू बेस 10 के की रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। थर्ड नंबर का ट्रांजिस्टर एक डायोड लगाने के बाद में 4007 और बेस के साथ कनेक्ट किया गया है। यहां पर डायोड लगा हुआ आपका 4007, उसी से एक स्प्रिंग टाइप की कॉपर की कॉइल बनी हुई जो सेंसर पर आई हुई है, दूसरे वाले सेंसर पर आई हुई है। पहले वाले सेंसर का जो कॉइल बना हुआ या फर्स्ट ट्रांजिस्टर 47 के बेस पर गया हुआ है। अब आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस और सेकंड नंबर का एमीटर आपस में शॉर्ट है। पावर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट निकाली गई है जो मोटर के लिए गई है, इतना छोटा सा इसका सर्किट है। तो होता है जैसे हम उंगली रखते हैं और इस पे भी उंगली रखते हैं, ये देखें आप लोग, ठीक है, तो उंगली रखने से क्या होता है, जब किसी भी इंसान के अंदर विद्युत धारा चाहे वो कम पावर में हो या ज्यादा पावर में, जब विद्युत धारा किसी इंसान के अंदर गुजरती है, तो विद्युत धारा जैसे इंसान के अंदर गुजरती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होती है, विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होता है, जैसे हमने इस पे उंगली रखी तो हमारे बॉडी के अंदर बैटरी की प्लस सप्लाई ट्रांजिस्टर की स्विचिंग के द्वारा पहुंच जाती है, और बॉडी के दूसरे हिस्से से हम जैसे ही दूसरे हाथ से इसमें उंगली रखेंगे तो एक साइड में बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफाई होकर हमारी बॉडी में पहुंच रही है, दूसरी साइड में उंगली रखते हैं तो जो लास्ट वाला ट्रांजिस्टर लगा जिसमें एक डायोड लगा हुआ 4007 4007, तो उसके वेस्ट वाशिंग से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही हम इसमें उंगली रखते हैं
तो पहला वाला जो ट्रांजिस्टर जिससे हमारे पास में 5-9 वोल्ट का जो करंट है बैटरी का डीसी का वो पहुंच रहा है, और लाइट वाले ट्रांजिस्टर पर मॉड्यूल के थ्रू हमारा सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसमें विद्युत वाहक बल के रूप में पहुंच रहा है। तो जैसे ही हम उंगली लगते हैं तो लाइट वाला ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होकर पावर ट्रांजिस्टर को जो आउटपुट में लगा हुआ सेंस कर देता है गेट के लिए, बेस के लिए, वह ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार का इसका वर्किंग है। अब आप इसका डायग्राम देखें, ये इसका डायग्राम है, समझे इसका डायग्राम बिल्कुल इजी है, आसान है। आप लोग हमेशा हम जो भी वर्किंग के प्रोजेक्ट के वीडियो डालते हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि हमेशा हमारे डायग्राम हैं जो हम खुद तैयार करते हैं, अपने माइंड से सर्किट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो इन डायग्राम को आप एक स्क्रीनशॉट के रूप में हमेशा रखा करें, जिसे आपको वर्किंग मॉडल बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में परेशानी ना हो। तो ध्यान से देखिए, ये इसका वर्किंग मॉडल है, बिल्कुल आपको इसी हिसाब से इसको डिजाइन करना है, 101% ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं और अपना कीमती समय हमें देते हैं, हमारे चैनल के लिए देते हो। तो प्लीज इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि बेल आइकॉन ही ऐसा साधन है कि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट वर्किंग मॉडल कुछ भी डालते हैं तो आप लोगों को सर्वप्रथम दिखाई दे, सुनाई दे और आप लोगों तक वो पहुंच जाए। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरी, सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।